नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात, रायपुर से खबर है। 15 दिन में कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस 15 दिन में कर देगी, ये बड़ी बात सामने आई है। स्क्रीनिंग कमेटी में नाम भेजे जा चुके हैं और केंद्रीय चुनाव समिति में नामों पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति में नामों पर फाइनल मुहर लगा दी जाएगी और नाम फाइनल होते ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें आपको बता देते हैं कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हैं। रायपुर से डॉक्टर राकेश गुप्ता को टिकट मिल सकता है ऐसा माना जा रहा है। तो कोरबा से ज्योत्सना महंत जो हैं उनको रिपीट किया जा सकता है। जांजगीर चांपा की बात करें तो शिव डहरिया प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। ये संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट आपको बता रहे हैं, 15 दिन में कांग्रेस की फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और इसके अलावा कांकेर से वीरेश ठाकुर को पार्टी टिकट दे सकती है, ये दावेदार भी बताए जा रहे हैं और संभावित उम्मीदवार भी हैं। वहीं बस्तर की बात करें तो दीपक बैज जो कि 11 में से कांग्रेस के दूसरे सांसद हैं जो जीत कर पहुंचे थे, तो उनको फिर से रिपीट किया जा सकता है। सरगुजा की बात करें तो प्रेम साय सिंह या फिर खेल साय सिंह को टिकट मिल सकता है। दुर्ग से ताम्रध्वज साहू को फिर से पार्टी मैदान में उतार सकती है, इसके पहले भी वो दुर्ग से जीतकर संसद पहुंच चुके हैं, तो फिर से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा महासमुंद की बात करें तो धनेन्द्र साहू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। राजनांदगांव में चन्नी साहू और रायगढ़ में लालजीत राठिया को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बिलासपुर से कोई नया चेहरा भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। प्रयास है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाए। अगली बात भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि पूरे देश में हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैदान में उतारेंगे ताकि आधी आबादी को उनका पूरा हक मिले। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने 33% महिला आरक्षण के बारे में सोचा, उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया। राज्यसभा में हमने उस बिल को पारित किया और हमारे उसी कॉन्क्रीट काम का ही नतीजा है कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित, कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करना, नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और 15 दिन बचे हैं बस लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने में। स्क्रीनिंग कमेटी को नाम भेजे जा चुके हैं, मंथन किया जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति में नामों पर मंथन होने के बाद फाइनल लिस्ट जो तैयार होगी। तो 15 दिनों में मैदान में कौन होगा उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में, यह तय हो जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में नाम भेजे जा चुके हैं और ज्योत्सना महंत और दीपक बैज दोनों ऐसे नाम हैं जो कि पिछली बार भी जीत कर पहुंचे थे संसद और उनको रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी कई सारे नाम हैं, ताम्रध्वज साहू को भेजा जा सकता है दुर्ग से, यह बड़ी खबर भी आपको हम बता रहे हैं। 15 दिन में कांग्रेस की लिस्ट फाइनल हो जाएगी, लोकसभा उम्मीदवारों का कांग्रेस ऐलान कर देगी। ममता लांजेवार हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ममता, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, प्रत्याशियों के संभावित नाम भी साथ साथ बता रहे हैं कि किसे टिकट मिल सकता है। इसमें ज्यादा पैनल जैसी चीज नहीं है कि दो या तीन नाम हो, कई जगहों पर तो एक ही नाम सामने आ रहा है। देखिए, अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पर है और सिर्फ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कब होगी इसका इंतजार है। अगर हम बात करें तो प्रदेश चुनाव समिति की 3 बार बैठक हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसी में नाम रखे गए थे। अब सिर्फ जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसी का इंतजार है और उसके बाद तुरंत नाम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे और उसी को लेकर माना जा रहा है कि करीब पखवाड़े भर के भीतर कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जो संभावित नाम अगर हम बात करें तो संभावित नामों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए नाम भेजे जा चुके हैं और अब अलग से कोई प्रदेश स्तर पर कोई बात नहीं होगी या अलग से प्रत्याशियों के नाम भेजे जाए, बायोडाटा भेजे जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बाद बहुत सारे लोग जो लोकसभा की तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपने पांव पीछे कर लिए और उसके बाद जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें यह भी चर्चा की गई। तंज भी कसे गए जो पूर्व मंत्री हैं वो जो हारे उनको लेकर कि आप लोग ही लड़ लीजिए,
और एक सब एक तरह से कहें तो कई लोगों ने अब इंटरेस्ट भी दिखाया है। ताम्रध्वज साहू जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने ये उत्सुकता दिखाई है, एक इंटरेस्ट दिखाया है कि वो दुर्ग से जो है वो लड़ेंगे। शिव डहरिया जांजगीर चांपा को लेकर कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे शुरू हो गए हैं। दीपक बैस से हमने बात की थी कि आप लड़ेंगे या फिर, चूंकि विधानसभा में भी ये बात उठी थी कि भाई संगठन को आपने देखा नहीं और आप विधानसभा चुनाव लड़ने लगे, उसके पीछे उनकी एक छुपी हुई महत्वाकांक्षा को भी माना जा रहा था कि चर्चा बातों में वो आ गए थे और कि अगर हो सकता है मुझे भी मौका मिल जाए शीर्ष पद पर पहुंचने का, ये सोचकर वो लड़े थे ये कहा जा रहा था। लेकिन यही है वजह है कि कांग्रेस जो है वो कई जगहों पे बुरी तरीके से हारी। लेकिन अब दीपक बैज का कहना है कि वो अगर पार्टी हाईकमान कहेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा, यानी कि वो इनकार नहीं करें, यानी कि वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रायपुर लोकसभा को लेकर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर राकेश गुप्ता जो है वो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। इन्हें रायपुर उत्तर से उन्होंने टिकट मांगी थी विधानसभा को लेकर, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिली थी और कुलदीप जुनेजा को दोबारा जो है वो टिकट मिल गई थी और इसके पीछे जो है वो अजीत कुकरेजा भी जो है वो लगे हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो निर्दलीय लड़े। तो राकेश गुप्ता को जो है वो मौका यहां से दिया जा सकता है। ज्योत्सना महंत तो जीत कर आई थी तो सवाल ही नहीं उठता कि पार्टी जो है उनको टिकट काटे, और महिला प्रत्याशी भी है, चूंकि दावा यह भी कहा जा रहा है कि महिला प्रत्याशी भी हो सकते हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल जो है उनको कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बाद में यह भी कहा कि मैं पूरे प्रदेश भर में घूम कर जो है वो चुनाव के दौरान मौजूद रहना मेरा ज्यादा जरूरी है, बशर्ते एक लोकसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ना। तो ये टीएस सिंहदेव जो हेल्थ के कारणों से मना कर चुके हैं, बिल्कुल बड़े बड़े दिग्गज तो मना कर चुके हैं, और ऐसे में एक संभावित लिस्ट तो हमने बता ही दी है कि कौन कौन कहां से किसे पार्टी मैदान में उतार सकती है। लेकिन मंथन के बाद 15 दिनों में तस्वीर बिल्कुल छत्तीसगढ़ की साफ हो जाने वाली है कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनावी मैदान में नजर आएगा। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, रायपुर से खबर आपको बता रहे, महादेव सट्टा केस मामले में नीतीश दीवान कोर्ट में पेश किए गए हैं और ईडी ने दीवान को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने इसके बाद 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में नीतीश दीवान को जेल भेज दिया है। अब 26 फरवरी को एक बार फिर से कोर्ट में नीतीश दीवान को पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। युगल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी इस बड़ी खबर पर लेते हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में नीतीश दीवान की कोर्ट में पेशी हुई है, क्या कुछ हुआ कोर्ट में और 3 दिन की जेल भेज दिया 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में और अब फिर से पेशी है, युगल? जी बिल्कुल, देखिए जो ईडी ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर के लगातार कार्रवाई की है और जिसमें नीतीश दीवान की गिरफ्तारी की गई थी, चूंकि उनसे जो रिमांड की अवधि है वो खत्म हो रही थी, आज पेश किया गया है और न्यायालय में उसे पेश किया। नीतीश दीवान को 26 फरवरी तक जो कोर्ट ने भेज दिया है फिर से, तो ये कहा जा सकता है कि ईडी लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और जैसे रिमांड की अवधि खत्म होगी उसे फिर से पेश किया जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनकी तलाश अभी ईडी है फिलहाल कर रही है और उसके बाद और भी जो आरोपियों की गिरफ्तारी है वो हो सकती है। एक विस्तृत रिपोर्ट जो ईडी ने जो सौंपा है, इसके साथ ही साथ ईओडब्ल्यू भी इस मामले की पृथक से जांच कर रही है। कई अधिकारी हैं, उनके भी नाम, कुछ राजनेताओं के नाम आने वाले समय में आ सकते हैं। फिलहाल रिमांड में उसे जेल भेज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, युगल। तो महादेव सट्टा केस में नीतीश दीवान को कोर्ट में पेश कर दिया गया, 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बढ़ते आगे बात अगली खबर की करते हैं, अंबिकापुर से खबर।